जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम लोग एचटीएमएल फॉर्म के अंदर वैलिडेशंस को अप्लाई कर रहे थे। ऑलरेडी मैं आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, आज ये हमारा 4th पार्ट है उसका। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पासवर्ड के ऊपर हम वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पहले प्रैक्टिकल चेक करा देता हूँ कि कैसे वो हमारा एक्शन परफॉर्म करेगा। ये मेरा HTML का एक फॉर्म है जिसके ऊपर अब तक हम सारा काम कर रहे हैं। हमने यूज़र नेम के ऊपर सारा काम कर लिया है और जहाँ तक मुझे याद है मोबाइल नंबर के भी वैलिडेशंस को हमने चेक कर लिया है। नाम पे अगर मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ तो ये आएगा, एक करेक्टर रहेगा तो फिर वो भी एरर आएगा। अब आ गया पासवर्ड पे, बात करते हैं हम लोग। पासवर्ड पे दे दिया मैंने उसको डबल एस, पहले तो खाली छोड़ा था तो कहता भाई पासवर्ड में कुछ ना कुछ लिखो, कहता पासवर्ड 8 करेक्टर से ऊपर होना चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है, या फिर 8 करेक्टर होना चाहिए। 2 हो गया, 2 4, 2 6, 2 8। तो कहता एटलीस्ट एक नंबर तो हो पासवर्ड के अंदर। जैसे हम जीमेल वगैरह या कहीं पे भी साइन इन साइन अप करते हैं तो वो हमें यही रिक्वायरमेंट कहता है। मैं कहा चलो ठीक है, एक नंबर मांग रहा है तो दे दिया मैंने उसको एक नंबर। सबमिट पे किया, कहता ना भाई एक अपर केस चाहिए, मतलब कि एक ऐसा लेटर लिखो जो थोड़ा कैपिटल में हो, ये तो स्मॉल में है। मैंने कहा चलो कैपिटल ए प्रोवाइड कर देते हैं इसको। सबमिट पे क्लिक किया, कहता कम से कम एक स्पेशल सिंबल मुझे चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है कि एक स्पेशल कैरेक्टर तो मुझे एटलीस्ट प्रोवाइड करो। तो ठीक है, उसके लिए आप जो मर्जी इसमें से प्रोवाइड कर दे। मैंने कहा सबमिट, तो ये आगे बढ़ गया, ठीक है। यही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ईमेल को बहुत डीप में लेके जाएंगे। और अगर आप इसको मैच नहीं कराओगे ना पासवर्ड को तो फिर ये काम नहीं करेगा। मैं इसको मैच कर देता हूँ, SSAADSS1A@, ठीक है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। इन दोनों को हम लेके आगे बढ़ने वाले हैं और इन दोनों को हम फॉलो अप करेंगे। बस कुछ यही करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। इसके ऊपर हम सारा काम कर रहे थे तो मैं पुराने वाले को एक काम करता हूँ फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ और हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अपने सारे वैलिडेशंस को। अब अभी मैं आपको एक बार बता दूं कि जो नेक्स्ट आएगा ना हमारा ईमेल वाला, उसके लिए आपको कौन सा एक वीडियो देख के रखना है, क्योंकि उसमें मैं एरे का यूज़ करूंगा। ऑल्दो मैंने चैनल के ऊपर एरे इतना डीप में अभी तक समझाया नहीं है, टॉपिक को अभी तक मैंने पिक भी नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैंने आप लोगों को एरे का दे रखा है। जावा स्क्रिप्ट कंसोल का एक लेक्चर मैंने कराया था कि हम कि हम एरर वगैरह को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप जाना और या फिर सर्च करना जावास्क्रिप्ट सर्च गूगल कंसोल बाय साइबर वॉरियर्स, आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा। आप उसको जरूर देखें, गूगल क्रोम कंसोल, ठीक है, ये वाला वीडियो आप देख के रखें। ये जो वीडियो है, वीडियो नंबर 12 है, क्लास नंबर 12, ये आपको ईमेल में हेल्प करेगा, ठीक है जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहां से आप मुझे सारे सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। इसका कोड मैंने ओपन कर लिया आपने एक नॉर्मल से टेक्स्ट एडिटर के अंदर। फिलहाल मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने। नीचे आ जाएंगे आप और ईमेल का जो नेम था वो मैंने आपको दिखा रखा है, ईमेल है, और यहाँ पे आईडी जो है वो डबल एल लगा रखा है मैंने उसके अंदर। और यहाँ पे नीचे आते हैं, सॉरी नॉट ईमेल, हमें काम करना है पासवर्ड के ऊपर, तो हमने पास दे रखा है उसका नाम। पासवर्ड को अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है पासवर्ड ये रहा पास, और आईडी में डबल एस कौन पास, और यहाँ पे एक एस एक्स्ट्रा, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे आ गए हम लोग और यहाँ पे आ गए हम पासवर्ड वाले के फील्ड पे। पासवर्ड वाले पे फील्ड पे आने के बाद मैंने अभी तक सिर्फ ये चेक किया है कि वो एम्प्टी ना हो, अगर होगा तो हमारे पास कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है, इसको आप यहाँ से कर ले एज इट इज कॉपी, और यहाँ पे लाके कर दिया मैंने उसको पेस्ट। और अब मुझे जो पहली वैलिडेशन है जो चेक करनी है वो ये है, पासवर्ड कम से कम 8 करेक्टर्स का हो, 8 से छोटा ना हो। यहाँ पे मैंने लिखा इफ पास डॉट लेंथ, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, एक फीचर ऐसा जो हमें अलाउ करता है कि हम लेंथ कैलकुलेट कर सकें। अगर जो पासवर्ड का लेंथ 8 करेक्टर से कम है तो क्या करें भाई, मेरे को स्पैन टैग के अंदर उसी जगह पे प्रिंट करके दे पासवर्ड, प्लीज राइट पासवर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, और सेव करके मैं इसको चेक कर लेता हूं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये प्रोवाइड कर दिया मैंने उसको, पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया, तो कहता भाई
पासवर्ड कम से कम 8 करेक्टर्स का तो रखो। मैंने कहा चलो ठीक है, उसको भी हम कर लेते हैं एक बार। वैलिडेशन जो है ना, आप साथ साथ चेक करें, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करे तो हम उसको उसी टाइम पे डिटेक्ट कर ले फटाफट। कहता 8 करेक्टर्स का होना चाहिए, मैंने 8 किया तो आगे बढ़ाया, तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि वो नहीं चला, और पासवर्ड की स्पेलिंग भी बहुत बेकार तरीके से यहाँ पे गलत है। यहाँ पर मैंने लिखा है इफ सॉरी कि पासवर्ड जो है, चलो ठीक है, एल्स पार्ट को मुझे यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, वरना ये एज इट इज ऐसा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। एल्स पार्ट मैंने पेस्ट कर दिया, अगर सही है तो कुछ भी प्रिंट ना करे। अब अगर हम चेक करें तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, एक नाम प्रोवाइड कर दिया, पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया, कहता 8 करेक्टर का पासवर्ड दो। मैं कहा चलो ठीक है, और मैंने सबमिट किया तो स्टिल हमारे पास एरर है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम इंस्पेक्ट को ओपन कर लेते हैं और कंसोल में जाके देखे तो रिफ्रेश किया मैंने तो कोई भी एरर वो मुझे नहीं दिखा रहा है। अब जब एरर नहीं दिखा रहा है तो फिर ये हमें ढूंढना पड़ेगा, ये जो है कुछ लॉजिक वगैरह में कुछ मिस्टेक है, जिसके कारण वो हमें फाइंड आउट खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास पास डॉट लेंथ LENGTH, ठीक है, लेंथ की स्पेलिंग तो करेक्ट है। लेस देन 8, अगर 8 से लेस देन है तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID, यहाँ पे प्लीज राइट पासवर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 करेक्टर्स इन द बॉक्स, ठीक है आ गया। इफ पासवर्ड जो है एम्प्टी है तो ये करे, और यहां पे आके हमने लिखा हुआ है लास्ट में यूजर। ओके, सो हमें यूजर पे ना करके, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, डेट्स वो सही नहीं हुआ। अब मैं इसको सेव करके एक बार आपको रिफ्रेश करके अगर चेक कराऊं तो पासवर्ड दे दिया मैंने इसको इतना सा, तो वो हट गया, अब ये नहीं चला, अब कुछ एरर है, अब हमें उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या एरर है। यहां पे मैंने पास के अंदर प्रिंट कराया कि भाई प्लीज राइट पासवर्ड इन द बॉक्स, ठीक है, अगर जो 8 करेक्टर से कम है तो पासवर्ड के अंदर टाइप के लिए प्लीज राइट एटलीस्ट 8 करेक्टर्स इन द बॉक्स, ये भी ठीक है। एरर्स जो है ना, ये लॉजिकल आते रहते हैं आप लोगों के सामने, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कई बार। इंस्पेक्ट पे अगर मैं जाके चेक करूं तो ये मुझे कुछ हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, तो फिलहाल ये भी हमें कोई हेल्प नहीं करने वाला। हमें खुद से इसको देखना पड़ेगा, और फिर से हम लोग यहाँ से मैच करते हुए अगर चले तो इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, और ये इफ यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, स्टार्ट क्लोज स्टार्ट क्लोज, ठीक है जी, ये स्टार्ट एंड क्लोज, स्टार्ट एंड क्लोज, ठीक है, स्टार्ट एंड क्लोज, ठीक है। पासवर्ड में मैंने लिखा इफ, और यहाँ मैंने ला के चेक कर दिया है। एक काम करते हैं, एम्प्टी वाले को सबसे ऊपर ले जाते हैं, इसको हम सेपरेट ही रखते हैं, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मैंने चेक किया, ऑल राइट, मैंने चेक किया पासवर्ड का लेंथ, इसको एक काम करता हूं यहां से हटाता हूं मैं, और यहां पे आके कर दिया मैंने पेस्ट। अगर जो पासवर्ड एम्प्टी है तो प्रिंट कर दे भाई, कुछ ना कुछ लिखो। अगर जो पासवर्ड ये मैच होना चाहिए डॉट उसका लेंथ, लेंथ की स्पेलिंग मैं श्योर कर लूँ एक बार, LENGTH, तो फिर ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ नीचे, ठीक है। अगर वो 8 से कम है तो कुछ ऐसा स्क्रीन के ऊपर हमारे पास प्रिंट करे इसी बॉक्स के अंदर, प्लीज राइट समथिंग इन द बॉक्स, ठीक है, और नहीं तो एल्स में आके हमारे पास कुछ भी शो ना करे, ठीक है जी। अब बिल्कुल ये करेक्ट है, और आई डोंट थिंक कि इस बार ये एरर देना चाहिए, वैसे तो पहले भी नहीं आना चाहिए एरर। तो कहता कम से कम 8 करेक्टर्स लिखो, मैंने लिख दिया तो वो हट गया, ठीक है जी। पहले आपको हो सकता है इसी का प्रॉब्लम हो कि पहले हमें ब्लैंक चेक करना है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, कम से कम एक अपर केस करेक्टर होना चाहिए और एक लोअर केस होना चाहिए, तो मैंने इसको एज इट इज कर लिया कॉपी, और यहीं पे आके मैंने कर दिया पेस्ट, और मैंने चेक किया पहले, तो चलो ये चेक कर लेते हैं कि 0 से लेकर 9 नंबर्स उसने लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहां पे मैं आ गया और मैंने उसको बोला इफ पास डॉट, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और चीज है हमारे पास सर्च, कि भाई जो भी वो पासवर्ड इनपुट कर रहा है उसमें सर्च कर, और आप लगा देंगे ये गोल वाले ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, और दो कुछ ऐसा लगा देंगे आप, और यहां पे लगा देंगे आप एरे का ये वाला ब्रैकेट। यहां पे मैंने लिखा अगर सर्च कर 0 से लेके 9 के बीच की जो चीजें हैं अगर तुझे वो नहीं मिलता है, ठीक है, जो पासवर्ड वो लिख रहा है उसमें सर्च कर कि 0 से लेके 9 के बीच में नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, इक्वल टू -1। जितने ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो -1 पे डील करते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे 0 1 के थ्रू भी काम करोगे तो हो जाएगा, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में -1 पे ही काम चलता है। अब ये -1 क्या है, देखो मान लेते हैं इसको 0 एज्यूम करके चलते हैं, कि कहीं पे भी मुझे 0 से लेकर 9 के बीच में नंबर नहीं मिला, तो 0 की जो वैल्यू है वो बदली नहीं,
अगर मिल जाएगा तो जीरो बदल के वो वन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मिल गया तो वन हो गया, ये कंडीशन नहीं चलेगी फिर, क्योंकि वो एट कैरेक्टर्स के अंदर उसको एक कैरेक्टर न्यूमेरिक मिल चुका है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है ना वो माइनस वन पर काम करता है, अगर इसको मिल गया तो ये जीरो पे आ जाएगा, तो ये माइनस वन से मैच नहीं होगा। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, माइनस वन लिखे यहाँ पे, और प्लीज़ राइट पासवर्ड ऑफ एटलीस्ट वन न्यूमेरिक कैरेक्टर कैरेक्टर्स, ठीक है, कि भाई कम से कम एक नंबर तो मुझे बताओ। मैं कहा चलो ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं, कहता भाई कम से कम एक न्यूमेरिक तो हो। मैं कहा चलो ठीक है, दे दिया मैंने उसको न्यूमेरिक, तो मैंने इसको न्यूमेरिक प्रोवाइड किया तो वो आगे बढ़ गया। अब फिर ये कह रहा है यहाँ पे कि वो 8 से ज़्यादा था नहीं, फिर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया ना। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ेगा, जो थोड़ी थोड़ी देर पर प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहेगा। सो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैंने लंच चेक किया, उसके बाद हमने दिया इफ पास डॉट सर्च SEARCH और ब्रैकेट स्टार्ट करके स्लैश 0 to 9 स्लैश एंड डबल कोट में इक्वल टू ये, और इसके बाद आपकी नॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं। और हमें एक काम करना है, जब तक हमारा पासवर्ड गलत है हमें रिटर्न फॉल्स करते रहना है। सो इसको भी मैं एज इट इज़ यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके कर देता हूँ मैं इसको पेस्ट। एक्चुअली ना जब मैं इसको बना रहा होता हूँ प्रैक्टिस के टाइम पे, तब इतने एरर्स नहीं आते जो पढ़ाते टाइम पे आते हैं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, उसको फाइंड आउट करेंगे तो भी आप लोगों का ही फायदा है उसमें। तो यूज़र नेम दिया मैंने इसको, कहता पासवर्ड भरो। मैं कहा चलो ठीक है पासवर्ड लो, कम से कम 8 करेक्टर्स होना चाहिए। मैं कहा लो 8 करेक्टर्स, कहता एक न्यूमेरिक होना चाहिए। मैंने कहा लो भाई, चलो ठीक हो गया। सो रिटर्न फॉल्स का ही प्रॉब्लम था, वो कुछ भी रिटर्न ना करे वरना वो खामखा रिटर्न कर रहा था। अब 0 to 9 तो मेरा हो गया, इसको सॉरी इसको आप एज इट इज़ कॉपी करें और पेस्ट कर दें। अब मुझे ये चेक करना है भाई, छोटा जो ABCD होता है वो भी वो लिखे, मतलब A to Z स्मॉल में ये भी होना चाहिए। इसको ही माइनस वन तक ही चेक करें। प्लीज़ राइट पासवर्ड ऑफ एटलीस्ट वन लोअर केस करेक्टर, LOWER लोअर केस करेक्टर होना ही चाहिए कम से कम एक। अब इसको ही वैलिडेट कर देते हैं, नाम मैंने दे दिया उसको, कहता पासवर्ड बताओ। मैं कहा ये ले भाई पासवर्ड, कहता कम से कम 8 करेक्टर्स। मैंने कहा चलो लो 8 करेक्टर्स, कम से कम एक नंबर। मैंने कहा ये लो जी एक करेक्टर, कहता कम से कम एक लोअर केस तो प्रोवाइड कर दो मुझे। मैं कहा ले भाई एक लोअर केस, सबमिट, वो आगे बढ़ गया, ठीक है। सो लोअर केस हो गया। सिमिलरली इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और अपर केस के लिए हम ले जाएंगे इसको। सो यहाँ पे आके कर दिया मैंने इसको पेस्ट, कि भाई कम से कम एक अपर केस तो चाहिए ही चाहिए अपने को। सो यहाँ पे आके आ जाएगा अपर, सेव किया, यहाँ पे आए डॉक्यूमेंट पे, रिफ्रेश किया, नाम प्रोवाइड कर दिया, पासवर्ड कहता प्रोवाइड करो। मैं कहा ले भाई, कहता कम से कम 8 करेक्टर्स। मैंने कहा ये लो, कम से कम एक न्यूमेरिक ये प्रोवाइड किया, कम से कम एक अपर केस, तो ये लो भाई, आगे बढ़ गया। सो अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर हम लोग ये भी तो चेक करते हैं स्पेशल करेक्टर्स है या नहीं है, तो स्पेशल करेक्टर भी देखने पड़ेंगे मेरे को। सो उसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से एज इट इज, इसी को मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ लाके किया मैंने इसको पेस्ट, और पहले तो मैसेज को चेंज करो, प्लीज राइट पासवर्ड ऑफ एटलीस्ट वन स्पेशल सिंबल या स्पेशल करेक्टर जो मर्जी बोलो, स्पेशल सिंबल इन द बॉक्स, ठीक है। अब वैलिडेशन भी तो लगानी पड़ेगी इसकी, कि कम से कम ये होना ही चाहिए, तो जो आकिश कुछ तो हमें नहीं करना खराब, सीधे सीधे इसको चेंज करना है। तो वो जो आपका कीबोर्ड है ना ऊपर जो 1 2 3 4 लिखे होते हैं, ये QWE, वहाँ आपको स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, जो जो आपको रखने हैं आप वो रखे यहाँ पे। जैसे कि मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ वन, तो आगे हमारे पास नॉट स्लैश, आप यहाँ पे दूसरा वाला लगाएंगे क्योंकि दूसरा वाला बाहर लगा हुआ है। इसके बाद है हमारे पास एट द रेट, फिर स्लैश दिया मैंने, हैश डॉलर, ओके सो शिफ्ट के साथ नहीं है, गलत हो गया। हैश के बाद आ जाएगा डॉलर, इसके बाद आ जाएगा परसेंटेज, देन ये वाला एक, ये आपको जितने दिखते हैं ना जो आप चाहते हो वो सारे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ रह गया क्या? तो मैं स्लैश डाल के एक ये भी बच गया है भाई, ये भी स्पेशल ही है, एक कॉमा भी लगा देते हैं, फुल स्टॉप, तो चलो हटा देते हैं। और एक ये भी है,
ये भी है, ठीक है, मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट रहेगा और इतना टफ बनाने का भी जरूरत नहीं है हमें इसको, सो इसका ही -1 से कंपेयर किया। सेव कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पे आके हम लोग इसको चेक करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। पासवर्ड प्रोवाइड करो, मैं कहा चलो ठीक है, कम से कम 8 करेक्टर्स का प्रोवाइड करो, ठीक है, एक न्यूमेरिक ठीक है, कम से कम एक अपर केस ठीक है, कम से कम एक स्पेशल करेक्टर, ये लो आगे बढ़ गया। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, लोअर केस, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही लोअर था ना, सो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। कहता कम से कम एक न्यूमेरिक हो, ठीक है भाई, कम से कम एक लोअर केस हो, ये लो, कम से कम एक स्पेशल करेक्टर हो, ये लो, आगे बढ़ गया। अब आते हैं कंफर्म पासवर्ड पे, जो कि एरर नहीं दे रहा है और पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है अब, सो ढूंढते हैं उसको भी, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे हम आते हैं कंफर्म पासवर्ड पे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने गलत जगह पे अप्लाई कर दिया इसको, सो कंफर्म पासवर्ड मिसिंग लग रहा है मेरे को यहाँ से कहीं। सो ऊपर जाता हूँ मैं, यहाँ पे दिया मैंने यूज़र और यहाँ पे दिया मैंने पासवर्ड, पासवर्ड का लेंथ, पासवर्ड 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 एंड पासवर्ड, ईमेल आई थिंक कंट्रोल जेड जब मैंने उसको किया ना तो वो गायब हो गया। कोई बात नहीं, तो इसी को एज इट इज़ कर लेता हूँ मैं कॉपी, और पासवर्ड हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है ना, ठीक है, इस जगह पे हम लोग दे देते हैं कंफर्म पासवर्ड के लिए, जिसका नाम दिया है मैंने कॉन पास, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वो डबल एस वाला, ट्रिपल एस वाला, ये पासवर्ड डजंट मैच, कुछ ऐसा देना है ना हमें, पासवर्ड नॉट मैच्ड, नॉट मैचेस, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे प्रोवाइड करना है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है मैंने गलत कर दिया है, एम्प्टी की जगह पे मैंने मैसेज बेफालतू का कुछ और कर दिया। प्लीज़ राइट पासवर्ड इन द बॉक्स, तो एम्प्टी आई डोंट थिंक मुझे चेक करने की भी ज़रूरत है, वैसे तो वो मैच नहीं भी करेगा तो उसका मतलब भी एम्प्टी हो गया ना इनडायरेक्टली। एक काम करते हैं कि भाई अगर जो कौन पासवर्ड है वो नॉट इक्वल टू, वो बराबर नहीं होता है किसके, पास के, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में तो प्रिंट कर दे स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा, ठीक है। सेव किया, यहाँ पे आए, पासवर्ड प्रोवाइड किया, 8 करेक्टर्स प्रोवाइड कर दिया, एक एट द रेट ये वो सब प्रोवाइड कर दिया, कम से कम एक न्यूमेरिक, ये लो, आगे बढ़ा। मैं कहता पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, मैं कहा चल ठीक है, ये लो, तो भी नहीं हो रहा, यहीं से कर लेता हूँ इसको कॉपी, यहाँ ला के कर दिया मैंने पेस्ट, और कहता ना भाई पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। एल्स कंडीशन लगाना भूल गया मैं, एल्स में आते थे यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं कॉपी इसको, यहाँ पे आके कर देता हूँ इसको मैं पेस्ट, और सेव कर लेता हूँ इसको, यहाँ से किया कॉपी और इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है जी। अब चेक करते हैं, कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट, बढ़ गया आगे। कुछ इस तरीके से ना हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर पासवर्ड को वैलिडेट करते हैं, और आई थिंक आपको बहुत ही डीप में समझ में आ चुका होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ इसके अंदर स्किप किया है या कुछ छूटा हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे सारे सोशल मीडिया पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो गूगल जैसी वेबसाइट कैसे बनाए, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट, ई कॉमर्स की वेबसाइट, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।